पिताजी ये देखिए मैं अव्वल नंबर में पास हुई हूँ। अरे वाह, आपने कल कहा था ना मैं अव्वल नंबर में पास होंगी। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश, जीती रहो जीती रहो। अरे सुनती हो पुष्पा, देखो हमारी बिटिया ने मेडल हासिल किया है। मेडल हासिल किया है तो मैं क्या करूँ, तुम ही इसे गले में लग कर घूमो और गाँव वालों को दिखाओ। लेकिन मैं कह देती हूँ अब जो भी आगे नहीं पड़ेगी, जितनी इसकी पढ़ाई होनी थी सो हो चुकी, अब ये होशियार हो चुकी है, घर का सारा काम करेगी। मुझ अकेली से तुम्हारे घर का काम नहीं होता। इतनी कठोर ना बनो पुष्पा, इस बेचारी के सामने इसकी पूरी जिंदगी पड़ी। आजकल के जमाने में अनपढ़ लड़की की कोई कीमत नहीं, यहाँ तक कि किसी भले घर में इसकी शादी भी नहीं होगी। इस के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? अब तो मेरी भी जिद है, अगर मुझे इस घर में रखना चाहते हो तो ज्योति नहीं पड़ेगी, हरगिज नहीं पड़ेगी, समझे? क्या हुआ बेटी? माँ सब सामान बांध दो, हम लोग गाँव जा रहे हैं, चलो। नहीं छोटी माँ, घर छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम करूंगी, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। घर छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो बापू। पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, जो माँ कहेगी वो घर का सारा काम करूंगी। चलो रमेश बेटा। लेकिन नानी माँ हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे घर, चलो। ठीक है ठीक है, तुम जीती और मैं हारा। इस तरह यूं घर छोड़कर चली जाओगी तो गांव वाले क्या कहेंगे, जरा घर की इज्जत का तो ख्याल रखो। मान जाओ ना छोटी माँ, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे जब ज्योति कह रही है कि स्कूल नहीं जाएगी तो क्या, अब अपनी जिद छोड़ भी दे। चल बेटी चल आ जा अंदर। चल चल। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे घर पर ही पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, ग्रेजुएट बनाऊंगा। काली मैया हमारी मदद करेंगी। शिव शक्तायुक्त यदि भवति शक्त प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि अत स्वामाराध हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणतुं स्तोतुं वा कथम कृत पुण्य प्रभवति। के द्वारे पे आने की देर।